भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज जिस फार्मर से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उनकी एज मात्र 25 साल है और इस फार्मर ने भाइयों एक सफलतापूर्वक अपना पिग फार्म स्टार्ट किया हुआ है। लगभग 2 साल इनको हो गए हैं पिग फार्म चलाते चलाते और दिन पे दिन का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। आइए भाइयों, मैं आपको फार्म के अंदर लेके चलता हूँ। भाइयों, ये जो आप मेरे पीछे फार्म देख रहे हैं, यहाँ से इनकी शुरुआत थी। उसके बाद इन्होंने दूसरा शेड बनाया, वहाँ पर भी आपको मैं लेके चलता हूँ। और भाइयों, आप देख रहे हो मेरे पीछे ये जो शेड है, बेसिकली ये इनका 5वां शेड है। पहला शेड उधर था जो मैंने आपको दिखाया, फिर दूसरा शेड बनाया, फिर तीसरा, और ये दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं। भाई, पूरी कंप्लीट बात करेंगे, कब इन्होंने स्टार्ट करा, कितने एनिमल से स्टार्ट करा, कितना इनको इससे बेनिफिट है, कहाँ सेल करते हैं, और साथ ही भाइयों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई युवा भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कितना इससे उनको मुनाफा होगा, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और कहाँ वो सेल कर सकता है। जो भाई चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो पास वाली घंटी का बटन है और ज़रूर दबाएं, जिस आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, अपना एक परिचय दीजिए सर। मेरा नाम शुभम डागर, जिला मुजफ्फरनगर, छपार में मेरा फार्म है। एक ये तो डिलीवरी फेज है, इसमें सारी हमारी डिलीवरी होती है, और इस दो उधर है, दो यूनिट उधर है हमारी, एक फैटनिंग की है और एक और डिलीवरी की है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी इसी से हुई थी। अच्छा, ये आपका स्टार्टअप है? ये हमारा स्टार्टअप है, सबसे पहले हमने यही स्टार्टिंग की। हाँ। सबसे पहले यूनिट यही थी हमारी। तो सर, आपको पिगरी का विचार कैसा आया? पिगरी का बिजनेस तो सर और भी है, काफी है, लेकिन ऐसा इसमें आपको क्या लगा कि आपको यही आपने विचार किया इसको करने का? देखो सर, लेबर बेस्ड कंपनी है सबसे पहली बात, और अपने ऊपर है, अगर हम करेंगे काम ठीक है, अपना है सब चीज अपनी है, अगर हम अपना अब मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तो अच्छा प्रॉफिटेबल है। दूसरी एक और बात है, लाइफ स्टॉक का काम है, बढ़िया काम है, ये नहीं कह सकते कि बेकार काम है कोई भी। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं ठीक है, और अभी के जैसे देखे जाए अभी के हिसाब से तो बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सर, मोर्टेलिटी रिस्क बहुत कम है इस काम में, रिस्क इस काम में सबसे ज़्यादा कम है। दूसरा, आपने बताया कि इस फार्म की नींव आपने कब रखी थी सर? नींव रखी थी सर दिसंबर 2019, और इसमें माल डाला था फरवरी 1 फरवरी 2020 में। कितने एनिमल से आपने स्टार्टअप किया सर? ये एनिमल सर हमने 12 फीमेल से स्टार्ट किया था, यानी 12 फीमेल और एक बोर। हाँ, नहीं, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट। अच्छा, प्रेग्नेंट फीमेल से आपने स्टार्ट किया। कितना खर्चा इसमें आ गया था सर? सर करीब सारा अगर स्ट्रक्चर के अराउंड सब चीजें लगाएं तो 25 लाख के अराउंड खर्चा आया था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने बिल्कुल मजबूत इसमें बनाया हुआ है। हाँ सर, ईंटों का ही बनाया हुआ था, थोड़ा सा मतलब इंडियन स्टाइल। एक्चुअली आपको इसी को आगे बढ़ाना है, आपने सोचा हुआ है? हाँ, थोड़ा सा मतलब ये इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक दो साल का काम नहीं करना सर, हमें थोड़ा सा मतलब लंबे समय तक काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा सही से लेकर चले थे थोड़ा। दूसरा सर, पिगरी में ऐसा क्या है कि जो युवा है वो उसकी तरफ काफी आज अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफी इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, उसको करना चाहते हैं? देखो सर, काम है बढ़िया है ठीक है, लोगों का काम है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, कुछ फार्म बंद भी हो रहे हैं, सही बात नहीं है ठीक है। अट्रैक्शन की बात ये है, प्रॉफिट है नो डाउट, कोई कोई कुछ भी कहे, मैं तो कहूँगा प्रॉफिट है जरूर है, लेकिन उसमें अपनी भी मेहनत है ठीक है, अपना भी सब कुछ एकदम थोड़ा सा अपना बजट का लेके चलो, थोड़ा सा ये भी है, और ऊपर से अगर हम थोड़ा सा देखें कि अपना मैनेजमेंट ठीक रखेंगे ना सर जी, तो बिल्कुल बढ़िया बेस्ट काम। दूसरा, मैं देख रहा हूँ सर, जैसे आपने बताया कि ये आपकी स्टार्टिंग थी, यहाँ से आपने स्टार्ट किया जी सर, अभी आपने दूसरे साल में एक और में जो दूसरा जो सेटअप है वो आपने स्टार्ट किया हुआ है। हाँ जी। तो आपके सफर की अगर बात करें तो आपका सफर कैसा रहा सर अब तक का? सर हमारा सफर अच्छा रहा है, ये मान के चलो अब जब तक हम अपने रोटेशन पे नहीं पहुंचे थे ना सर, जब तक हमारा जो पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट थी, हमारा जो पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी सर हमारी थी 85 लाख की ठीक है, उसमें 27 लाख की सेल भी हुई थी, 50 जानवर हर महीने सेल करते हैं सर हम, तो उसमें हम अपना खर्चा भी आराम से निकाल लेते हैं और हमारा प्रॉफिट भी आराम से हो जाता है अब जाके। लेकिन ये है कि पेशेंस का काम है, अगर हम चाहें कि हम यही काम हमें करना होता कि हम एक साल में करें तो इस तरीके से नहीं हो सकता सर, थोड़ा सा अपना भी थोड़ा सा पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, और शुरू में लागत आएगी ही आएगी, ये नहीं है कि लागत नहीं आएगी। दूसरा ये बताइए कि जो भाई पिग फार्म स्टार्ट करना चाहता है वो क्या ज़रूरी बातें हैं जो इसमें लेके चले, उनको ध्यान में रख के चले, क्योंकि उसको नुकसान ना हो फिर आगे? ज़रूरी बातें सर ये है, एक तो अपना बजट ठीक है, मैनेजमेंट, ब्रीड सिलेक्शन ठीक है, और जो अपना एक मोटो है ना सर कि इतना हम ज़्यादा से कम थोड़ा सा, मैं तो मानना यही कि स्ट्रक्चर पर कम से कम खर्चा करें ठीक है, स्ट्रक्चर पर कम से कम खर्चा, क्योंकि 60% इसमें फीड का खर्चा है, जो 60% है वो फीड का खर्चा है, अपना बजट अपने अनुसार लेकर चलें, थोड़ी सी स्टडी करें,
ट्रेनिंग लें, सरकारी ट्रेनिंग बहुत सही है, उनसे ट्रेनिंग लें, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में ट्रेनिंग होती है सर। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट है सर आपको इसमें हो रहा है? सर 30% के अराउंड प्रॉफिट आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नो डाउट अगर हम कोई भी आराम से लेना चाहते हैं तो 30% प्रॉफिट आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर में करीब ये मान के चलो सर 1.5 से 2 लाख रुपए करीब। सर पिग फार्मिंग का एक बार गणित समझाइए कि इतना लगा के इतना फ़ायदा होता है, इतना नुकसान होता है, इतने दिन में तैयार हो जाता है। सर देखो जैसे आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था, मैं अपना बता देता हूँ, अपना आप बताइए सर। मैं सर अपना बता देता हूँ, मेरे जो था ये मान के चलो 60 लाख रुपये अपने लगे थे हमारे, अपने बाकी सेल हटा दो ठीक है, उसमें आपका ये भी था सब चीज़ हमारे उसमें था। उसमें हमने 60 लाख में हमने अपना 35 से 40 लाख रुपए का माल भी पड़ाया हमारे फार्म में ठीक है, 35 से 40 का माल भी पड़ा है, बाकी हमें रिकवर अब कुछ करना नहीं है, सब कुछ अपना धीरे धीरे अपना इसमें से निकालना है। अब ना हम कहीं से माल लेना ना कुछ, क्यों हम अपनी ही ब्रीडिंग करेंगे, अपने ही अपन जो माल है वो हर महीने सेल करते चले जाएंगे। दूसरा मैं देख रहा हूँ सर काफी सारे सेक्शन आपने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या रखते हैं? जैसे एक सर ये जो है सारा का सारा डिलीवरी फेज है, जो बच्चे हटते रहते हैं उनको हटाते रहते हैं इसमें, जो स्टार्टर पे बच्चे होते हैं ठीक है, सारी जो डिलीवरी होती है सब यहीं पे होती है। और जो है ये जिसमें 1 से 2 महीने के बच्चे हटा देते हैं, जो माता से दूध से हटा के स्टार्टर पे यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा सा ना सेफ एरिया है, थोड़ा सा मतलब इसमें गर्मी ठंड से और गर्मी से बचे रहते हैं उस साइड में थोड़ा बड़ा। ऐसे उधर भी आपका देखते हैं शेड? ये सर फैटनिंग का बना रहे हैं हम दुआ, एक और यूनिट हमारी, ये सारा टोटल फैटनिंग का काम होगा इसमें, क्योंकि हमारा फैटनिंग का थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ होगी थी, इस वजह से हमने ये फैटनिंग पे स्टार्ट कर दिया काम। अभी करीब 5 दिन में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा इसका, और इसमें माल डल जाएगा। लेकिन नया शेड आप ये एक और तैयार कर रहे हैं? हाँ सर, सबसे पहले आपने वो शेड किया जहाँ पर डिलीवरी वगैरह होती है, उसके बाद सर ये स्टार्ट किया था इसमें डाला, ये फैटनिंग का काम इसमें था, और उसके बाद वो वाला करा था, अब ये नया बना लिया हमने। एक दो पाँचवा ही है? पाँचवा है क्या आपका ये? तो सर ये बताइए एक फीमेल कितने बच्चे देती है औसत? कुछ कहते हैं 12 देती है, कुछ कहते हैं 13 देती है। देखो एवरेज हमारा तो एवरेज 8 से 9 का आता है, और ठीक है हमें तो संतुष्ट है, सबसे बड़ी बात है हमें तो संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, 8 से 9 का एवरेज बहुत ठीक होता है। तो सर मार्केटिंग में कोई समस्या है सर इसमें? मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं है, ये है कि बीच में बंद रहा था तो उस टाइम पे लॉकडाउन में थोड़ा दिक्कत आई थी, लेकिन अभी तो कोई समस्या नहीं है और रेट भी अभी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें लोन चाहिए तब हम स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी बड़ी उम्मीद होती है कि लोन मिलता है, तो क्या सच्चाई है सर, क्या लोन इसमें मिलता है? सर देखो लोन तो अब बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, हमने तो लिया नहीं था, लेकिन जो लोन है सर वो बैंक के ऊपर डिपेंड होता है ठीक है, और हमने ले भी लिया, चलो 10 लाख रुपए का लोन ले भी लिया, 10 से 15 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो उसमें मैं तो मानता नहीं कुछ फ़ायदा है, क्योंकि सर उसमें 10 से 15 लाख रुपये में तो हम शेड तैयार कर लेंगे, और लोन के ऊपर अगर काम करोगे तो सर हो नहीं पाएगा इसमें काम, सबसे बड़ी बात यही है। तो मेरा तो मानना यही है, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बैकअप ठीक है, अपने अपना पैसा कुछ है तो ठीक है चलो लगाओ, और लोन भी अगर सही लोन मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कम से कम मान के चलता हूँ कि 40 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी सर, अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। हाँ इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाना, और नहीं प्रॉफिट भी सर जब भी आएगा, नहीं तो आप नया कोई मैनेजमेंट होगा, और सेल भी अगर आपकी हर महीने ना होगा, दो तीन महीने सेल हो रही है, तो फिर आपको सर फीड तो हर महीने खर्चा आएगा ही आएगा जी ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसमें आदमी थोड़ा सा फिर हेजिटेट हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंस अपना लूज कर जाता है। सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? फ्यूचर प्लान सर मेरा ये है कि मैं करीब करीब 250 से 300 एनिमल अपने पर मंथ तैयार करूँ, अभी आगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस का काम है थोड़ा सा, अभी बड़ा काम है, पर लेकिन हाँ मैं पकड़ चुका हूँ, अभी 50 हैं इसको ये, पर लेकिन यहाँ पे जो है ना इस वाले इस पूरी यूनिट में इस पूरे फार्म में करीब मेरे 100 एनिमल पर मंथ के तैयार हो जाएंगे। तो 0 से 100 केजी होने में कितना समय लगता है सर? 7 से 8 कितना फीड लगती है, कितना खर्चा, क्या प्रॉफिट? सर 7 से 8 महीने लग जाते हैं 0 से 100 में, और ये मान के चलो सर 9200-9300 रुपये खर्चा जाता है उस पर ठीक है सर। प्रॉफिट हमारा रेट के ऊपर डिपेंड होता है, क्या रेट हमें मिल रहा है। कोई युवा भाई अगर पिग फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो कितने पिक्चर्स को स्टार्ट करना चाहिए, कितना बजट लेके चले, क्या उससे मुनाफा ले सकता है? देखो सर स्टार्टिंग जो इसका मेन फेज स्टार्टिंग है ठीक है, उतना स्टार्ट उतने से करो जितना आप हैंडल कर सको, मेरा तो मानना यही कि कम से ही स्टार्ट करो, ज़्यादा से करोगे कुछ नहीं है फालतू में, तुम्हें रिस्क हो जाएगा, ज़्यादा का रिस्क होगा दिक्कत आ जाएगी, कम से स्टार्ट करोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तुम्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होगा। तो कितने कम से सर 10 से 5 से कितना एक एवरेज थोड़ा बताइए ना। 10 से 15 के बीच में स्टार्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इतने से स्टार्ट करो बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, उसी को थोड़ा ग्रो करके चलोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो क्या वो बजट लेके चले अगर आप जैसा शेड ना बनाए, क्योंकि आपने तो उसको लॉन्ग लाइफ के लिए बना दिया है, जिसके पास कम बजट है वो कितना बजट वो लेके चले अगर वो थोड़ा टेम्परेरी बनाता है? स्टार्टिंग करनी है सिर्फ स्टार्टिंग, तो 15 से 20 लाख रुपये देखो
ये 15-20 लाख रुपए कम से कम है, ठीक है, उसमें तुम्हारा फीड भी थोड़ा बहुत 1-2 महीने का फीड भी आ जाएगा। और क्या उससे मुनाफा ले सकता है सर वो कितने दिन में? मुनाफा उस टाइम पे तो कुछ होगा ही नहीं सर, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग फेज है। स्टार्टिंग मुनाफा तो तब होगा ना जब हम माल बेचेंगे। करीब 7, देखो सर अगर हम प्रेगनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेगनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 8 महीने तो हमें माल बेचने में लग जाएंगे सर, ठीक है, वही 8 महीने फिर इधर से भी खर्चा जाए तो वो जो खर्चा हो जाता है सर ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम पर हम रोक देख नहीं पाते क्योंकि सबसे पहले हमें 1.5 साल तक तो हमें अपना माल ही तैयार करने में लग जाता है। तो मुनाफा को तो आप जब देखें कि जब आप 50 से कम 60 एनिमल हर महीने पर मंथ आप निकाल रहे हो ना, तब आपको दिखेगा हाँ भाई मुनाफा हो रहा है। लेकिन ये है कि सर सेल जो है ना, इसका मेन मोटिव सेल है। मैं यही कहता हूँ कि हर महीने माल निकालना है तो हर महीने माल निकालना है, तभी आपको मुनाफा दिखेगा। दूसरा सर, जो युवा भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? भाई करो, युवा भाइयों को तो संदेश यही है, करो पिग फार्मिंग करो, लेकिन अपना ध्यान देकर स्टडी करके इस पर आपकी कितनी फाइनेंशियल बैकअप क्या है, थोड़ा सा अपना स्टडी करके तब आओ इसमें काम में। ये नहीं है कि एकदम किसी के बोल दिया तो एकदम बढ़ गए काम में और डाल दिया शेड और डाल दिया माल डाल के अपना स्टार्ट कर दिया। भाई पेशेंस का काम है, करीब 1.5 से 2 साल आपको प्रॉफिट जानने में लग जाएगा कि आप प्रॉफिट तुम्हें हो रहा है, ठीक है, और वो भी जब जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप बढ़िया है और आप लगाओगे तो। क्योंकि छोटे से छोटे पे रहने पे आप 10 फीमेल ला रहे हो और 10 का 10 का काम कर रहे हो, उसमें मज़ा नहीं आने का काम है सर। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।